आज मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ अपने घर से। शायद तुम लोगों ने यह घर ज़्यादा बार नहीं देखा होगा, तो भाई मैं बता दूँ यहाँ पे जस्ट बगल से ही चल रहा है काम अभी, ठीक है। और ये काम कुछ नालाल वगैरह पाइपलाइन डल रही तो उसके लिए चल रहा है। और यह हमारी सुंदर सी बगिया जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। देखो ये बगिया, और यहाँ पे सब नहाते धोते हैं, ठीक है। और देखो और साइड पर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो इस साइड पर भी एक रूम है और उस वाले कॉर्नर पे भी एक रूम था। और भाई चलते हैं हम बगिया के अंदर। देखो ये सीन है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा माहौल है, और यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाती है टाइम टाइम से। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा बगिया है। देखो मैं ना ऐसे करके दिखाता हूँ, जूम इन करके। देखो भाई यहाँ से ये नींबू का पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है, ये फूल के पेड़ है, ये देखो ये पपीते के पेड़ है जिसमें पपीतियाँ रखे हैं। जा रहा हूँ अपनी छत पर, छत का सीन दिखाने तुम आप लोगों को, ठीक है। ये देखो ये हमारे अगल बगल के घर है और ये हमारी छत है। देखो वहाँ से लेके हमारे मगर मालिक जी का घर है ये। और यहाँ पे देख सकते हो ये सूखी लकड़ी वगैरह रखी है, और ये हमारी मैडम जी बैठी है। ये देखो बर्तन धो रही है हमारी मैडम जी। मैडम जी पत्तू का वाह है। हमारी मैडम जी का कॉलेज चल रहा है और इनका स्कूल कंप्लीट हो गया है। इन्होंने भी सेम स्कूल से, मतलब मेरे वाले स्कूल से, ये हमारे सीनियर रहे हैं। और गाइस देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना चारों तरफ काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और ऊपर से नीचे का सीन कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये हमारा कुआँ, ये हमारी बगिया वगैरह। देखो ये देखो यहाँ पे, देखो ये जामुन का पेड़ रखा है और अभी 2-3 साल के बाद इस पे जामुन आने लगेंगे, ठीक है। और ये हमारे बगल की सोसाइटी है। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है ना, यहाँ पे काम चल रहा है। और ये यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, यहाँ पे साइड पे उनकी भी बस्ती है, काफ़ी मस्जिद है, ठीक है। और ये इस साइड पर है, ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग मिलजुल के रहते हैं सभी लोग, मतलब सभी लोग। और यहाँ पे देखो एक रूम है, एक वहाँ पे भी रूम है, और एक ये रूम है, ये सपना का रूम था भाई। और इसके ऊपर एक और छत है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये है सबसे ऊपर वाली छत, और यहाँ से दिखता है पूरी सोसाइटी, ठीक है ना, पूरी सोसाइटी यहाँ से दिख जाती है। आसपास के जितने भी है, पहाड़ वगैरह जितने भी है, सबको दिख जाता है। ये देखो एकदम हर चीज़ नॉर्मल से बहुत छोटी छोटी दिखती है, ठीक है। देखो गाइस, और ये जस्ट बगल से आम के पेड़ हैं, इस पर अभी आम आए थे और तोड़वा लिए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। ये देखो ये है कान्हा का रूम, यहाँ पे कान्हा रहता है, भाभी जी भैया रहते हैं, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं नीचे की साइड पर, तो मैं दिखाऊँ, देखो नीचे क्या हाल चाल चल रहे हैं। देखो आह आह क्या कपड़ों की धुलाई हो रही है, आह। ये देखो सत्यम भाई के मजे, एक और दिखाता हूँ भाई, ये देखो मजे हैं इनके। एक काम करता हुआ ना दाम सा बालक, देख सकते हो आप लोग इसे, लोग इस पे अत्याचार कर रहे हैं, आप इसे बताएं क्या करना चाहिए। इस पे अपने स्कूल साइड पे घूमने, और देख सकते हो इस साइड पे ज़्यादा अभी नहीं है, यहाँ पे कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई है, जानवरों की अवशेष पड़े हुए हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल हम गाड़ी की रफ्तार बढ़ा के चल रहे हैं आगे की साइड में। सो गाइस आज हम आए हैं बाईपास साइड घूमने, अपने पन्ना की सबसे पुरानी गली है, मतलब नई गली है, बाईपास समझते हो तुम लोग। मैं और राजवीर हैं और हम अपनी गाड़ी के साथ में आए हैं। और गाइस आज हम जा रहे हैं थोड़ी काम से, जो कि आगे साइड पर काम है हमारा। तो भाई लोग क्या बोले, कल बहुत मज़ा आया रात में, क्योंकि हम रात में निकले थे घूमने, मैं कमलेश राजवीर और ओम प्रकाश को भी हमने बुलाया था कुछ टाइम के लिए, वो भाई बिजी था तो कुछ टाइम के लिए भाई वो आया था। और इसके बाद क्या ही बोले भाई, मतलब कल तो मैं गांव में था भाई, जिनको पता है कल क्या दिन था क्या नहीं था, 24 तारीख थी, और कल मैं गांव गया था क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। और भाई नानू मिला था, नानू ने बेल्ट मारे, समझ सकते हो किस लिए मारे होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं बिना बताए गाँव चला गया था भाई, इसलिए कल मेरा अच्छे से स्वागत हुआ है यहाँ पर। और भाई देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इतना ज़्यादा अच्छा है कि धूप। हम लौट रहे हैं अपने घर की साइड पे, हमारे इधर पे काम पूरा हो गया है,
और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी लगे थे, उन्हें हमें रोका और पहचान गए क्योंकि हम पन्ना में ब्लॉगिंग करते रहते हैं तो हमें ज़्यादातर पहचानते हैं, तो हमें जाने दिया भाई। हम तो कुछ नहीं बोले, ये बस बोले कि जा कहाँ रहे हो, हमने कहा कि बस थोड़ा काम था RTO ऑफिस में, वहीं से लौटे हैं, तो पहचान के थे तो उन्होंने छोड़ दिया। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की साइड पे, हमारा स्कूल रास्ते में ही पड़ेगा तो स्कूल पे हम तुम लोगों को दिखा देंगे हमारा स्कूल कैसा है। और हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, बोलो ही कुछ, मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग बन रही है ना भाई, मंत्री जी ने इतना अच्छा पैसा उसमें लगाया है कि क्या ही बताएं। CM राइज की नई बिल्डिंग बनने वाली है भाई, और एडमिशन भी ओपन हो गए हैं भाई, एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस बार, पता नहीं CM राइज में क्या है इस बार, मतलब नई बिल्डिंग देख के आ रहे हैं बच्चे। और बस थोड़ी देर में आने वाली है हमारे स्कूल की बिल्डिंग, और हम आराम से चल रहे हैं क्योंकि हमें कोई ज़बरदस्ती या जल्दी नहीं है घर जाने की, इसलिए मौसम का आनंद ले रहे हैं राजवीर के साथ में। और मैंने राजवीर को इसीलिए बुलाया था क्योंकि आज का मौसम सही था और गाड़ी भी घर में थी, तो हमने कहा चलो ब्लॉगिंग ही कर ली जाए। और देखो भाई इसके बाल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही बड़े हो गए, फिलहाल मैंने कटवा लिए अपने बाल क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, और मैंने साइड चेंज करवाई थी अपने हेयर की, और दाढ़ी वगैरह भी क्लीन करवा ली भाई, तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है आज का मौसम। क्यों राजू कुछ बोलो भी यार। हाँ यार। और गाइस कमलेश चला गया अपने गाँव में, यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा बदबू है क्योंकि यहाँ पे ना कचरा वगैरह डलता है, यहाँ पे पन्ना का बहुत ज़्यादा रिसाइकल होता है यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने स्कूल की साइड। ये देखो भाई साइड से ही बन रही है सीमा स्कूल, ये देखो भाई इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, ये देखो ये बन रही है बिल्डिंग। हमारा स्कूल निकल गया पीछे और देख लो पुराने पलने का ये सीन है, कुछ ऐसा ऐसा सीन है कुछ हमारे स्कूल जब हम जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अब नया नया विकास हो रहा है पन्ना की साइड पे, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, देखो पहले शायद कोई पहचान का निकला था, उसने अपना मुंह छुपा लिया भाई, छुपाने दो हमें क्या है। अभी थोड़ी देर से जस्ट फोन आएगा तो हमें फिर स्कूल जाना है, वहाँ से एक लड़कों को ड्रॉप करना है हमें उसके घर तक। आइए भाई अपना जी। और ये है RTO ऑफिस की बिल्डिंग, जस्ट बस आने वाली है यहाँ पे। कल भाई मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया, उस कमेंट में ये था कि भाई तुम फिल्टर लगा के अपना वीडियो बनावा करो, तो भाई एडिटिंग वगैरह भी कुछ हो करे जो भगवान ने दी है और इंसानों ने बनाई है, जिसे एडिटिंग कहते हैं, तो तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। हम वीडियो एडिट करके ना पोस्ट करते हैं जिससे अच्छी वीडियो आए, साफ क्लियर देखे सबको, ठीक है, वो चीज़ है। फिल्टर वल्टर लगा के लड़कियों वाले काम हम ना करते भाई, ठीक है। और जिसे भी विश्वास ना हो तो आके हमसे मिल सकते हो, खुद हम तुम्हें दिखाएंगे, नॉर्मल वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अभी आए घूमने के लिए कुंड में, कहाँ नाम है इसका, नाम है किलकिला कुंड, ठीक है, किलकिला नदी यहाँ से आती है। और भाई देखो तुम्हें सीन दिखाएं एक बार, ये देखो भाई अभी ना पानी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी बरसात इतनी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन भाई कुछ कुएं मज़े बहुत आते हैं, इसलिए भाई मतलब देखो घूमने की दृष्टि से ना पन्ना बहुत सही है, ठीक है। ये देखो नीचे ये अंकल जी नहा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी देखो पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, ये देखो आप इस पर कुछ राय देना चाहेंगे? भाई नहीं दो राय देना चाहते हैं, ये पत्ता दिखाते हैं, देखो भाई इतनी ज़्यादा क्यारियाँ हैं यहाँ पर, देखो ये देखो भाई पन्ना का पहाड़ भाई, इसका राजवीर का मस्ती मोड चालू हो गया, तो ये गया है नीचे साइड, देखो मैं इसकी मस्ती मोड दिखाता हूँ तुमको, देखो भाई बंदा किसी की सुन ही नहीं सकता। ओ भाई ज़्यादा दूर मत जियो, ये देखो भाई सस्ते नशे कच्ची दारू पी के आदमी को ऐसे सस्ते नशे आते, तुम लोग देख सकते हो भाई, ये देखो यहाँ से देखो मैं इसकी दूरी दिखाऊं,
ये कितना दूर है मुझसे, ये देखो ये उस साइड पे। ओ भाई ओ राजवीर, रंद रंद आ जा आ जा आ जा ऊपर आ जा। सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, देखो आ जा भाई। अभी बुलाया है वापस और ये आ रहा है। देखो भाई इसकी सस्ते ना सही, जल्दी से आ जाए फिर चलते हैं, है ना। मतलब सुपरमैन को भी इसे पीछे छोड़ना, देखो है ना। सस्ते नशे पीने के बाद, हाँ कच्ची दारू पीने के बाद मेरा दोस्त, ये देखो भाई अब क्या हो गया, पैर गंदा हो गया भाई, देख लो। इसके सस्ते नशे खत्म ही ना होते भाई, ये देखो। अरे राम राम राम, हरकत तो देखो कि तुम लोग गाइस देखो ये क्या कर रहा है। तो भाई अब हम चलते हैं नीचे की साइड पे। देखो यहाँ पे तुमने जंगल वगैरह इतना घना घना देख ही लिया होगा, तो अब जा रहे हैं नीचे की साइड पे क्योंकि अब हमें यहाँ रुकना अलाउ नहीं है। क्या कर रहे थे भाई तुम? पब्लिक प्लेस में टॉयलेट करना मना है, इसने इस नियम का पालन नहीं किया है, इसे कठोर दंड दिया जाए। जज साहब फाड़ दो कानून की किताब है। आ गया सुपरमैन स्कूल, वो भाई को लेना है हमें, ठीक है। मैं हूँ राजवीर, मेरे साथ और हमारी कावासाकी, चलते हैं स्कूल की, चलते हैं स्कूल की साइड पे, ठीक है। चलो गाइस चलते हैं स्कूल की साइड पे। स्कूल जा रहे हैं, हमारे 15 दिन याद आ रहे हैं। और क्या नाम है सबके बीच वाले का? ब्रजेंद्र भाई, गुत्तू स्वामी अय्यर, और गुत्तू स्वामी अय्यर को भी ले लिया है गाइस। और हम जा रहे अपने घर की साइड पे, लेट्स गो। अपने घर देख लो शाम के आना, ठीक है ठीक है ठीक है शाम के। और भाई अब हम आ गए हैं अपने घर पे, देखो इस काले बलौटे को। हो गया ये, देखो गाइस ये नंगे पूरे। तुम हटो यार, हटो तुम यार। हम आ गए हैं स्कूल से, ठीक है। मतलब ये लोग तो नहीं गए थे, हम लोग कुछ लोग गए थे स्कूल, ठीक है। एक नंगे पुलके को देखो जा रहा है, ये देखो भाई। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई आज मौसम में। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।